Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विच स्टेट विलेज हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस. नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट कौन सा विलेज जो है, जो वो सबसे फर्स्ट विलेज बना है स्टेट में, पूरे इंडिया में, जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट सारे लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है. सो हेयर आर द ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. अ रिमोट हैमलेट इन द बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस. ओके, एक अलग से गांव में, एक हमलेट, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हमलेट गांव में, जम्मू और कश्मीर में ये गांव है. ये पहला गांव बना है पूरे इंडिया में जिसने कि अपने सारे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर, इंडिया टेकिंग ऑल स्टेप्स टू इंश्योर इट्स बिकम्स फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय विच ईयर. ओके, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर के अकॉर्डिंग भारत तो सारे स्टेप ले रहा है, तो किस साल के अंत तक ये फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हो जाएगा. सो हियर आर द ऑप्शंस, 2022, 2023, 2024 एंड 2025. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2023. इंडिया इज टेकिंग ऑल steps to ensure that the country becomes, sorry, 2022. India is taking all the steps to ensure that the country becomes free of single-use plastic by 2022, envisioned by Prime Minister Narendra Modi. Union Environment Minister Prakash Javedkar said while launching Plastic Hackathon 2021 campaign. प्लास्टिक हैकेथन 2021 कैंपेन लॉन्च करने के टाइम प्रकाश जावेदकर ने बताया कि 2022 तक इंडिया जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री हो जाएगी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द E100 पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मार्क करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट किस सिटी में स्टार्ट किया. सो हियर आर द ऑप्शंस, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कानपुर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज पुणे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द E100 पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. द एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल अक्रॉस द नेशन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मार्क करता है. और इस प्रोजेक्ट क्या एम करता है, अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल पूरे देश में इसका प्रोडक्शन हो सके इसलिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ हाउ मच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड टू इंडियन रेलवेज फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एट स्टेशन एंड इन ट्रेन. स्टेशन और ट्रेन में हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने क्या, कितने मेगाहर्ट्ज का लॉन्च किया है फ्रीक्वेंसी बैंड इंडियन रेलवेज में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए. सो हेयर आर द ऑप्शंस 5, 4, 6 एंड 8. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 5. The Union Cabinet has approved an allotment of 5 MHz spectrum in 700 MHz frequency band to India Railways for public safety and security services at stations and in trains. Trains or stations पर public safety और security service के लिए Union Cabinet ने 700 में से 5 MHz frequency band को allot किया है Indian Railways को. So now next question, and here the next question is, recently center has released the third monthly installment of post devolution revenue deficit grant of rupees 9871 crore for the current financial year to how many states.
हाल ही में सेंटर ने रिलीज़ किया है तीसरा मंथली इंस्टॉलमेंट। किसका? PDRD का तीसरा मंथली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया है, जो कि 9,871 करोड़ देगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो कितने स्टेट्स को दिया जाएगा? सो हेयर आर द ऑप्शंस 17, 15, 16 and 19। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 17। सेंटर हैज़ रिलीज द थर्ड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट PDRD ग्रांट ऑफ रुपीज़ 9,871 करोड़ फॉर द करेंट फिनेंशियल ईयर टू 17 स्टेट्स। ओके, सेंटर जो रिलीज़ कर रहा है थर्ड मंथली इंस्टॉलमेंट PDRD का, वो 9,871 करोड़ ग्रांट करेगा करेंट फिनेंशियल ईयर में 17 राज्यों में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.61 लाख हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। सो हाल ही में गवर्नमेंट ने कितना प्रपोजल अप्रूव किया है 3.61 लाख घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, 3.61 लाख घर के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री सरकार ने कितने अप्रूव किए हैं, कितने प्रपोजल? सो हेयर आर द ऑप्शन 654, 700, 705, 708। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 708। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 708 प्रपोजल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.61 लाख हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। द डिसीजन वॉज टेकन एट द 54th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटीज अंडर PMAU हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो PMAU ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत सरकार ने 708 प्रपोजल को, कंस्ट्रक्शन प्रपोजल को अनुमति दे दी है। सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज टू टूवर्ड्स सोलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टू सपोर्ट ओवर 2 लाख विलेज इन द करेंट फिनेंशियल ईयर। इस फिनेंशियल ईयर में 2 लाख गाँव को सपोर्ट करने के लिए फेज़ टू में कितने एलोकेट किए गए, कितने अमाउंट एलोकेट किए गए जल शक्ति मिनिस्ट्री को अंडर द स्वच्छ भारत मिशन? सो हेयर आर द ऑप्शंस 35,500 करोड़, 40,000 करोड़, 45,500 करोड़, 40,700 करोड़। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 40,700 करोड़। जल शक्ति मिनिस्ट्री सेड दैट 40,700 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज टू टूवर्ड्स सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा कि 40,700 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट टू सपोर्ट ओवर 2 लाख विलेजेस इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2021 एडिशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स द EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग, विच सिटी रिमेन्स द वर्ल्ड्स लीस्ट लाइवेबल सिटी? 2021 के एडिशन के अकॉर्डिंग, EIU ग्लोबल के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कौन सा सिटी पूरी दुनिया में सबसे कम रहने वाला सिटी माना जा रहा है? सो हेयर आर द ऑप्शंस लैगोस, डमास्कस, इस्लामाबाद एंड कराची। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज डमास्कस। डमास्कस रिमेन्स द वर्ल्ड्स लीस्ट वैल्यूएबल लिवेबल सिटी एंड मोस्ट ऑफ द प्रीवियस 10 लिस्ट लिवेबल सिटीज रिमेन इन बॉटम 10 ऑफ दिस ईयर इंक्लूडिंग ढाका एंड कराची इन द एशिया पैसिफिक रीजन एज पर द 2021 एडिशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंक। ओके, डमास्कस ने, डमास्कस जो है वो पूरी दुनिया का सबसे कम लाइवेबल सिटी माना जाता है, और इसके साथ साथ 10 और सिटी है, कराची और ढाका भी इसी में शामिल है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर? बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने का काम किस देश ने सबसे पहले किया? सो हेयर द ऑप्शंस EI सेल्वेडर, हंगरी, जर्मनी, नाइजीरिया। EI सेल्वेडर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर, अ मूव प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हेल्ड एज अ हिस्टोरिक स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पुअर सेंट्रल अमेरिकन नेशन। EL सेल्वेडर जो ये पहली देश बनी जहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है।
So today's last question and question number 10th. Recently, which edition of India-Thailand Coordinator Patrol begin? हाल ही में India-Thailand Coordinator Patrol का कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? सो हेयर द ऑप्शन 32nd, 31st, 30th एंड 28th. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 31st. द नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड हैव कम एज द 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एम्ड एट कीपिंग द इंडियन ओशियन सेफ एंड सिक्योर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेड. इंडस्ट्रियल ट्रेड में सिक्योर रखने के लिए इंडियन नेवीज ने और थाईलैंड के नेवीज ने 31st एडिशन स्टार्ट किया इंडो थाई कॉर्पोरेट का. ओके सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.